हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस यात्रा फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मित्रा स्कीम के विषय में इसके तहत सात नए टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाने वाले हैं बजट 2021 हज़ार में इसकी घोषणा हो चुकी है तो फ्रेंड्स हम जानेंगे इसके विषय में कि क्या है ये ये जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं ये क्या हैं और प्लग एंड प्ले की जो सुविधा मिलेगी उद्यमियों को इसके तहत वो किस प्रकार की सुविधा होती है फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क अर्थात मित्रा स्कीम की शुरुआत की क्यों जाएगी इससे क्या लाभ होने वाला है फ्रेंड्स इससे तीन लाभ होंगे जो टेक्सटाइल क्षेत्र है वो वैश्विक स्तर पर कंपटीशन में आएगा इससे रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में यह सहायक होगा वित्त मंत्री ने कहा कि मित्रा स्कीम टेक्सटाइल के लिए पूर्व में घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से अलग होगी मित्र स्कीम के तहत अगले तीन साल में सात टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ये पार्क मुख्य रूप से निर्यात को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाएंगे जहां उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले रूप में सारी सुविधाएं मौजूद होंगी अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स प्लग एंड प्ले सुविधा क्या होती है तो प्लग एंड प्ले के अंतर्गत उद्यमियों को जाकर सिर्फ अपना उत्पादन शुरू करना होता है इस स्कीम के तहत सरकार टेक्सटाइल निर्यात के क्षेत्र में विश्व स्तर की कंपनी भारत में शुरू करवाना चाहती है जो वैश्विक स्तर पर चैंपियन बन सके अभी भारत को गारमेंट निर्यात के क्षेत्र में बांग्लादेश वियतनाम इंडोनेशिया जैसे देशों से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है अच्छा तो अब ये जान लेते हैं कि प्लग एंड प्ले की सुविधा देने से निर्यातकों को क्या लाभ होने वाला है तो निर्यातकों के लागत में कमी आएगी और विश्व बाजार में वे मुकाबला कर सकेंगे सरकार ने पूर्व में भी टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की थी मतलब ये पहली बार नहीं है और कई पार्कों का निर्माण पूरा हो चुका है और कई पार्क संचालन में भी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक टेक्सटाइल पार्क में गारमेंट के साथ फैब्रिक व यार्न निर्माण की भी सुविधा हो सकती है टेक्सटाइल में यार्न फैब्रिक गारमेंट मुख्य रूप से शामिल होते हैं तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि प्लग एंड प्ले सुविधा क्या होती है और इसके लाभ क्या होते हैं टेक्सटाइल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपको यह सब याद रखने की आवश्यकता है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से जरूर कुछ सीखने समझने और जानने को मिला होगा और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए और फ्रेंड्स यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय टेक केयर डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग